संगड़ा रेणुका जी रोड पर वाली लाइम स्टोन माइन का मलबा आने से चकनाचूर हुई कार। दो दिन पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो आज उद्योग मंत्री के प्रवास के दौरान बंद हुई चूना खदान के मलबे से सड़क। लाइमस्टोन के लिए काटे जाने वाले पहाड़ का हजारों मीट्रिक टन मलबा सड़क के ऊपर मौजूद जंगल में फेंके जाने से बार बार अवरुद्ध हो रहा है यातायात। एसडीएम का अतिरिक्त कार्यभार देख रही तहसीलदार संगड़ा प्रोमिला धीमान के अनुसार मलबा आते ही शुरू किया गया था यातायात बहाल करने का काम। नौरादार हरिपुरदार रोड पर भी चारना में भूस्खलन से सड़क बंद होने से आधा दर्जन बसों के साथ साथ एक एम्बुलेंस भी फंसी। संगड़ा नौरादार राजगढ़ मार्ग पर भी सुबह से बहाल नहीं हो पाया यातायात। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के उपमंडल संगड़ा के अंधेरी व भवाई में तय कार्यक्रम के चलते इन्हीं सड़कों पर तैनात रही आधा दर्जन जेसीबी मशीनें। क्षेत्र के अनुकोटी गांव में भी मलबे की चपेट में आई कार। उपमंडल मुख्यालय संगड़ा को जिला मुख्यालय नाहन से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बुधवार प्रातः करीब 9:30 बजे वालिया लाइमस्टोन माइन का मलबा आने से एक कार DL12CH1719 दबकर चकनाचूर हो गई। गनीमत यह रही कि मलबे में कार दबने से कुछ ही सेकंड पहले इसमें सवार दो बच्चों सहित चार लोग निकल गए थे और जान बचाने के लिए भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं। साथ लगती रेडली पंचायत के प्रधान व अन्य ग्रामीणों ने उक्त लाइमस्टोन माइन के मलबे की प्रॉपर डंपिंग न होने से बार बार यह सड़क बंद होने व बड़े हादसे का अंदेशा होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग व प्रशासन द्वारा संतोषजनक कदम न उठाए जाने के लिए नाराजगी जताई। दो दिन पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के संगड़ा पहुंचने के करीब आधा घंटा पहले भी इसी माइन के मलबे से यहां रोड बंद हुआ था। हालांकि उनके नाहन की तरफ निकलने से पहले 3 JCB मशीनों की मदद से विभाग द्वारा यातायात बहाल किया जा चुका था। स्थानीय लोग बार बार यहां तेज बारिश के दौरान सड़क बंद होने का मुख्य कारण लाइमस्टोन माइन का हजारों मीट्रिक टन मलबा सड़क के ऊपरी हिस्से में मौजूद जंगल में फेंका जाना बता रहे हैं, जबकि नियमानुसार प्रॉपर मग डंपिंग न होने की सूरत में किसी भी माइन को नहीं चलाया जा सकता। इससे पूर्व का 24 अप्रैल को टूट चुके इसी रोड पर दनोई स्टील ब्रिज के दरकने का मुख्य कारण भी उपमंडल संगड़ा में करीब 800 बीघा भूमि पर चल रही 5 लाइमस्टोन माइन से निकलने वाले ओवरलोडेड मल्टी एक्सल ट्रक बताए गए और उस दौरान पुल के साथ खाड में जा गिरे ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड के अलावा सोलन नौरादार हरिपुरदार मिन्नस रोड भी सुबह से चारना गांव के समीप बंद है और यहां आधा दर्जन बसों के साथ एक एम्बुलेंस भी फंसी है। स्थानीय लोगों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि लोक निर्माण विभाग ने इस मुख्य सड़क पर यातायात बहाल करने की बजाय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के प्रवास को देखते हुए उनके निर्धारित रूट JCB मशीनें भेज दी। इसके अलावा संगड़ा पार्लर राजगढ़ रोड भी हॉस्पिटल के समीप सुबह 10 बजे से बंद पड़ा है और उपमंडल की शेर तुंदुला पंचायत के गांव अनुकोटी में भी एक कार मलबे की चपेट में आ चुकी है। संगड़ा में लोक निर्माण विभाग के एक्सजीएन SDO व JEE के पद पिछले 3 माह से खाली पड़े हैं और अधिशासी अभियंता संगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे एक्सजीएन शिलाई नरेंद्र वर्मा के मंत्री के विजिट में व्यस्त होने के चलते बंद सड़कों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। SDM संगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार देख रही तहसीलदार प्रोमिला धीमान ने कहा कि वालिया माइन के समीप संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड बंद होने के दौरान वह खुद घटनास्थल पर थी और अब वहां यातायात बहाल किया जा चुका है। DSP संगड़ा मुकेश डाटवाल ने कहा कि माइन के मलबे में दबी कार को लेकर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। बहरहाल बुधवार को भारी बारिश के चलते एक तरफ जहां क्षेत्र की सभी मुख्य सड़कों पर यातायात बाधित रहा, वहीं PWD व प्रशासनिक अधिकारी उद्योग मंत्री के प्रवास में व्यस्त नजर आए। सड़कों के अलावा सिविल सब डिवीजन संगड़ा किनौराधार तहसील व अन्य दर्जन भर पंचायतों में सुबह से विद्युत आपूर्ति भी ठप है और अधिकतर गाँव में पीने का पानी आना भी बंद हो चुका है। आज जो ये भारी बारिश हुई है इसके चलते यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है, जो कि एक गाड़ियां वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि यहां का कोई स्थायी समाधान किया जाए, ताकि यहां जो बार बार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है इसका समाधान हो सके। और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जो इस माइन के जो ओनर हैं उनसे भी बात की जाए और इसका कोई उचित समाधान निकल जाए। धन्यवाद।